ये था सुजानगढ़ के दिव्य वेंकटेश्वर मंदिर से हमारा खास कार्यक्रम, जहाँ पर 25वां वर्ष यानी मंदिर की स्थापना के 25 वर्ष के बाद में आज बहुत सुंदर और भव्य ब्रह्मोत्सव का कार्यक्रम, जिसमें पांचवी रात्रि में गरबा और डांडिया का कार्यक्रम आयोजित किया। आज भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, और मैं पुनः बता दूं, जब समुद्र मंथन में जब अमृत और गरल निकला था तो जहर तो भगवान शिव ने पी लिया था, लेकिन मदिरा और अमृत में देवता और दानवों में छीना झपटी होने लगी, और जब लगा कि ये अमृत है वो राक्षस पी जाएंगे, वो अमृत हो जाएंगे तो सबको कष्ट देंगे, तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके और धोखा करके राक्षसों को मदिरा पान करवा दिया, और अमृत है देवताओं को पिला दिया, और देवता अमर हो गए, और यही भगवान का मोहिनी रूप आज यहाँ पर बनाया गया। आपसे निवेदन है कि 14 और 15 तारीख को भी दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं, अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने जीवन को धन्य करें। ब्रह्मोत्सव पर सजा धजा वेंकटेश्वर मंदिर आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर सजावट की गई है। दुल्हन की तरह सजावा वेंकटेश्वर मंदिर, आप देख रहे हैं सभी गुजराती कॉस्ट्यूम है, लेकिन सापे आप देख रहे हैं बिल्कुल ठेठ राजस्थानी है, सुंदरदार सापे सभी ने पहने हैं, और इनका कार्यक्रम आप पहले भी देख चुके हैं। दादी बहुत ही सुंदर बिजली की सजावट आप देख रहे हैं पूरे मंदिर में की गई है, अद्भुत नज़ारा है सुजानगढ़ के तिरुपति बालाजी यानी वेंकटेश्वर मंदिर का। मुख्य ट्रस्टी श्रीमती मंजू देवी जी जाजोदी आप देख रहे हैं उपस्थित हैं यहाँ पर, आपके सानिध्य में पूरा कार्यक्रम हो रहा है।
वेंकटेश्वर का मोहिनी रूप आप देख रहे हैं और मोहिनी रूप के सामने रास हो रहा है, यानी डांडिया नृत्य हो रहा है। वेंकटेश्वर मंदिर में आयोजित तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित ब्रह्मोत्सव का दृश्य आप देख रहे हैं। आचार्य श्री के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कृष्ण भट्ट जी जो की यज्ञाचार्य है इस अनुष्ठान के,
Thank you.
भगवान अब मंदिर में प्रस्थान कर रहे हैं। आज भगवान का मोहिनी रूप हम दर्शन कर रहे हैं ब्रह्मोत्सव में। सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। बहुत सुंदर गरबा और डांडिया नृत्य का कार्यक्रम आज भगवान के ब्रह्मोत्सव की रात्रि को हुआ है। वेंकटेश्वर मंदिर में इस समय भगवान के मंदिर की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ब्रह्मोत्सव कार्य चल रहा है।
आज ब्रह्मोत्सव के पंचम रात्रि में आपने देखा बहुत सुंदर यहाँ पर डांडिया और गरबा का कार्यक्रम किया गया। आज भगवान का जो रूप आप देख रहे हैं वो भगवान का मोहिनी रूप है। आप सबको पता है भगवान विष्णु के अनेक रूप है, जिसमें एक वेंकटेश्वर रूप भी है जो तिरुपमला की पहाड़ियों पर भगवान का प्रकट हुआ था विशाल मूर्ति के रूप में। और भगवान ने एक बहुत सुंदर रूप मोहिनी रूप बनाया था जब भगवान शिव परेशानी में थे, और उस समय भगवान शिव के धर्म को बचाने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप का रूप धारण करके आपने देखा कि किस तरह से धर्म की रक्षा की थी। आज वही रूप आप देख रहे हैं यहाँ पर, मोहिनी रूप भगवान का यहाँ पर वेंकटेश्वर मंदिर में बनाया गया है। तिरुपति बालाजी और मद्रास से आए हुए 31 विद्वान पंडितों के द्वारा ये ब्रह्मोत्सव अनुष्ठान यहाँ पर संपादित करवाया जा रहा है। बहुत दिव्य झांकी आप देख रहे हैं मोहिनी रूप की, भगवान का ये मोहिनी रूप है जिसमें आप देख रहे हैं भगवान हैं, जिसमें आप देख रहे हैं माखन है। आज भगवान का मोहिनी रूप बनाया गया है, और मैं इस रूप के बारे में कृष्ण भट्ट जी से जानना चाहूँगा जो कि यज्ञाचार्य हैं, अनुष्ठान के आचार्य हैं, उनसे जानकारी लेना चाहूँगा। महाराज जी, आज जो भगवान का रूप यहाँ पर बनाया गया उसकी जानकारी भक्तों को दी। मदन किया उस समय में सब आ गया उससे बाद में मोहिनी रूप में अमृत लेके भगवान विष्णु बाहर आ गया। ये लोग का लपड़ा के लिए अमृत देवलोक का देने के लिए, असुर का मत देने के लिए वैसा मोहिनी रूप में भगवान आके इसका पुल ये लोग का बेकू बना दिया, असुर ने बेकू बना दिया। बाद में उन लोग का अमृत दे दिया, ये लोग पूरा जीवन चलता है देवलोक का, इसलिए वो ऐसा ही मोहिनी रूप भगवान का विशेष बना दिया। आज आपने सुना जब समुद्र मंथन हुआ तो अनेक चीज़ें निकली, लक्ष्मी निकला, विष निकला, भगवान शिव ने उसका पान किया, अमृत निकला तो देवताओं राक्षसों में संग्राम हुआ, लड़ने लगे, तब भगवान ने देवताओं की रक्षा के लिए मोहिनी रूप धारण करके और जो भूल से जो शराब थी वो राक्षसों को पिला दी, जो अमृत था वो देवताओं को पिला दिया, और अब जो देवता हैं वो आप जब जानते हैं कि अमर हो गए। और इसी भगवान के रूप आप देख रहे हैं जो कलश है भगवान का हाथ में, जो कलश है ये समुद्र मंथन में निकला था जिसमें अमृत था, और ये अमृत कलश भगवान के हाथ में आप देख रहे हैं। यानी देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान ने ये मोहिनी रूप धारण किया था, राक्षसों को भगवान ने मोहिनी रूप में जो शराब थी मदिरा थी उसका पान करवा दिया था। आप देख रहे हैं भगवान का प्रसाद सभी को वितरित किया जा रहा है। प्रसाद वितरित किया जा रहा है, सभी कतार में चलते हुए प्रसाद ले रहे हैं। सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। सभी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, नित्य अलग अलग तरह के प्रसाद बांटे जाते हैं। सभी को प्रसाद दिया जा रहा है। डॉक्टर मनोज मोहन जी शास्त्री जिनके सानिध्य में अब दो दिन का कार्यक्रम होगा, आप भी पधार चुके हैं। सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर मंदिर की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित ब्रह्मोत्सव में आज भगवान का मोहिनी रूप के आपने दर्शन किए। साथ में आप सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण की जो सबसे दिव्य लीला है वो रास लीला है, और आज यहाँ पर महारास का आयोजन किया गया, और आज अनेक संतों के सानिध्य में कार्यक्रम हो रहा है। डॉक्टर परम पूज्य मनोज मोहन जी शास्त्री का भी पावन आगमन मंदिर में हो चुका है। आज विश्व प्रसिद्ध गजल गायिका पिनाद मसानी भी यहाँ पर पधार चुके हैं, और देश विदेश से अनेक संख्या में लोग यहाँ पर खासतौर से दादोदिया परिवार के तमाम सदस्य यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और दिव्य अलौकिक दो दिन का कार्यक्रम 14-15 तारीख को और होने वाला है। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें। डांडिया और गरबा नृत्य में भाग लेने वाले सभी को विशेष प्रसाद और भगवान का आशीर्वाद दिया जा रहा है। सभी को पुरस्कार दिए जा रहे हैं और प्रसाद दिया जा रहा है जिन्होंने डांडिया में भाग लिया है।
बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा, हजारों लोगों ने भाग लिया, सैकड़ों बच्चियों ने, लड़कियों ने, महिलाओं ने डांडिया नृत्य और गरबा नृत्य किया, सभी को प्रसाद और आशीर्वाद स्वरूप राशि दी जा रही है। वेंकटेश्वर मंदिर में बहुत सुंदर गरबा और डांडिया का कार्यक्रम हुआ। अक्सर आप देखते हैं कि नवरात्रा में ऐसे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम निश्चित रूप से सुजानगढ़ का सबसे सुंदर कार्यक्रम था। कुछ ऐसे युवतियों से बातचीत करें जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर बनाया। क्या नाम आपका? निशा। आपको कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप नवरात्रा में डांडिया गरबा में भाग लेती हैं, आज वेंकटेश्वर मंदिर के ब्रह्मोत्सव पर आपने भाग लिया, उसमें आपको कितना फर्क लगा? काफी अच्छा लगा, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा अच्छा लगा जो हमारे नवरात्रि में होता है। बिल्कुल। अच्छा, व्यवस्थाएं कैसे लगी आपको यहाँ पर? काफी अच्छी थी, सब मैनेजमेंट अच्छे से था। आप चाहते हैं कि हमेशा इस तरह के कार्यक्रम वेंकटेश्वर मंदिर? हाँ। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। क्या नाम आपका? रेणुका। हाँ, आपको कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत ही अच्छा था, एकदम अलग। नवरात्रा से कुछ डिफरेंट लगा आपको? हाँ, बहुत ही अलग था, यहाँ पे सब लोग आए थे। अब सुनिए, आप सब देखिए, अब जो लड़कियाँ आ रही है, देखिए ये सब जो परंपरागत नृत्य होता है। क्या नाम आपका? नेहा। नेहा, कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। आप तो हर नवरात्रा में डांस करती है, आज वेंकटेश्वर मंदिर में क्या डिफरेंट लगा आपको इस कार्यक्रम में? अच्छा था, उस टाइप का ही था थोड़ा, बहुत अच्छा था। व्यवस्थाएं अच्छी थी? हाँ, अच्छी थी। आप सुने, सबको बहुत अच्छा लगा, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। और अब आप देख रहे हैं सबको पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं, सबको नगद राशि भी दी जा रही है, प्रसाद के पैकेट दिए जा रहे हैं, केक दिया जा रहा है। आज भगवान का मोहिनी रूप था और जो बांटा जा रहा है वो अमृत है। ये था सुजानगढ़ के दिव्य वेंकटेश्वर मंदिर से हमारा खास कार्यक्रम, जहाँ पर 25वें वर्ष यानी मंदिर की स्थापना के 25 वर्ष के बाद में आज बहुत सुंदर और भव्य ब्रह्मोत्सव का कार्यक्रम, जिसमें 5वीं रात्रि में गरबा और डांडिया का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज भगवान ने मोहिनी रूप बनाया और मैं पुनः बता दूँ, जब समुद्र मंथन में जब अमृत और गरल निकला था तो जहर तो भगवान शिव ने पी लिया था, लेकिन मदिरा और अमृत में देवता और दानों में छीना झपटी होने लगी। और जब लगा कि ये अमृत है वो राक्षस पी जाएंगे, वो अमर हो जाएंगे तो सबको कष्ट देंगे, तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके और धोखा करके राक्षसों को मदिरा पान करवा दिया और अमृत है देवताओं को पिला दिया और देवता अमर हो गए। और यही भगवान का मोहिनी रूप आज यहाँ पर बनाया गया। आपसे निवेदन है कि 14 और 15 तारीख को भी दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं, अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने जीवन को धन्य करें। ऐसे अन सुधा के लिए मैं शिवकुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। जय गोविंदा। जय भगवान वेंकटेश्वर।